Good morning, student. हम लोग क्लास अकाउंट्स का क्लास 11 का अकाउंट शुरू कर चुके थे, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का शुरुआत कहां से है, क्या क्या स्टेप्स है, ये हम लोग देखेंगे एक एक करके देखेंगे. ठीक है, चलिए. ये देखो, क्लास 11 अकाउंटेंसी. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है. कल आपको बताए थे, आप क्या चीज क्लास कर रहे हैं, अकाउंटेंसी का, अकाउंट का कि अकाउंटिंग का, किसका क्लास कर रहे हैं आप लोग बताइए. सर, अकाउंटेंसी का. ठीक है, अकाउंट हम लोग बनाते हैं, बैंक अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम लोग बनाते, प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, अकाउंटेंसी में अकाउंट होता है, अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग होता है, यानी अकाउंटेंसी वाइडर टर्म है. राइट, फिर से बात को समझिए. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है बताओ, अकाउंटेंसी, उसके अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग. अकाउंटिंग प्रोसेस है, तो प्रोसेस करने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए मेरे को, तो इक्विपमेंट क्या होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब क्या हो गया, अकाउंट हो गया. और जब अकाउंट बनाएंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, अकाउंटिंग बोलेंगे. ठीक है, और ये दोनों चीज कहां करते हैं हम लोग, अकाउंटेंसी में करते हैं. क्लियर, चल. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू, ये देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. ये देख तो अकाउंटिंग में आईएनजी लगा हुआ है ना, तो ये वर्ब हो गया, डूइंग वर्ड हो गया, तो इसका मतलब अकाउंटिंग एक एक्टिविटी हो गया, एक प्रोसेस है साहब, ये एक एक्टिविटीज है या एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है हम देखते हैं, और कोई भी एक्टिविटी और प्रोसेस को हम सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो साहब इसको क्या बोलते हैं, आर्ट. क्या बोलते हैं, आर्ट. Accounting is an activity. Accounting is a process. If it is done in a systematic manner, it is called as art. Right? Sir, किस activity को क्या करना है, accounting में करना क्या है? तो साथ business में जितना भी लेन देन होता है सबको पहले हम identify करेंगे. Business में जितना भी लेन देन होता है सबको हम क्या करेंगे, record करेंगे. ठीक है, और उसको अच्छे से record करेंगे, और at the end of the year उसी record से हम लोग profit and loss निकालते हैं. यही काम होता है अकाउंटिंग का, एक नैरो सेंस में हम बोल सकते हैं. ठीक है, फिर से बात को समझो, व्हाट इज, व्हाई अकाउंटिंग कॉल्ड इज अ प्रोसेस, क्यों अकाउंटिंग हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, ये किसका प्रोसेस है साहब. जिस बिजनेस में जितना भी लेन देन, आप कितना परचेस किए, आप कितना सेल किए, आप कितना एक्सपेंस पेड किए, आप बिजनेस में कितना रेंट पेड किए, सबको हम रिकॉर्ड करेंगे. एट द एंड ऑफ द ईयर उसी रिकॉर्ड को हम सिस्टमैटिक एनालिसिस करके हम फिर क्या निकालेंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे. क्लियर, और इसके लिए बहुत सारे रूल जानना पड़ेगा, रेगुलेशन जानना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग अकाउंटिंग में सीखते हैं. राइट, चलिए देखते हैं. सबसे पहले
Number one. From where accounting begins. सर कहां से अकाउंटिंग का शुरुआत होता है? शुरुआत कहां से होता है? क्लियर? चलो देखते हैं शुरुआत कहां से होता है। तो जान लीजिए, आप स्कूल जाओगे, सर आपसे पूछेंगे हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग सेलस बुक कीपिंग। सेलस बुक कीपिंग, ठीक है, सेलस बुक कीपिंग। तो आपका जवाब क्या होगा? हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग? तो आपका जवाब क्या होगा याद रखिएगा, इन 1494 अ पर्सनल नेम लुका पाशिलियो सिटीजन ऑफ किस ईयर में बताओ? 1500 called as a father of what? Accounting or bookkeeping. चलिए next आगे चलते हैं। फिर कल आपको डिस्कस किए थे अकाउंटिंग का शुरुआत कहां से होता है। साहब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फर्दर क्लासिफाई इन टू नंबर वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नंबर टू अकाउंटिंग कॉन्वेंशन, कॉन्सेप्ट या एजम्पशन, नंबर थ्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन एस, नंबर फोर IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग व्हाट स्टैंडर्ड। ये सारा अकाउंट्स का रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर? ये सारा अकाउंट से क्या है बताओ? रूल्स एंड रेगुलेशन। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इधर देखो सर, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना क्यों? क्या जरूरत है रूल्स एंड रेगुलेशन का? तो साहब जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, फिर रिकॉर्ड के बाद
कैसे उसको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर के बाद कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये सब हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग सब चीज सीखेंगे। ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए अभी तक सर कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, अभी तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? तो साहब 32 था, कितना था बताओ? 32 अकाउंटिंग एस टोटल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना था? 32। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 एस 8 मर्ज कर गया, मर्ज कर गया साहब एस 26 में, इसलिए करंट सिनेरियो में देयर फोर टोटल नंबर ऑफ एस साहब कितना हो गया? 31, राइट। और सर आईएफआर कितना है? ये साहब टोटल नंबर ऑफ आईएफआरएस साहब 16, क्लियर? चलो डिस्कस करना पड़ेगा। चलो जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम सीख लेंगे, जान लेंगे, इसके बाद नंबर वन, नंबर टू साहब बिजनेस का लेन देन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, दैट इज व्हाट ट्रांजेक्शंस इवेंट्स, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। साहब ये बिजनेस का लेन देन है, डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। और ये ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है साहब, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दूसरा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्लियर? फिर से देख लो, ट्रांजेक्शन कितना तरह का, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। सर ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? विच कैन बी मेजर द टर्म ऑफ फंड, जो पैसा मेजर कर सकते हैं आप। सर एग्जांपल बता दो, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय को सैलरी पेड किए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्लियर? रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, राइट? एम्प्लॉय आज रिजाइन दे दिया, ठीक है, नया एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग हो गया, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्लियर? अब ये देखो सर, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। सर मेरे को बताओ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। सर क्या डिफरेंस है ट्रांजेक्शन और इवेंट्स में? ठीक है, देखिए क्या डिफरेंस है साहब, ये हमारा ट्रांजेक्शन, ये हमारा इवेंट्स। क्या डिफरेंस है? पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये देख एग्जांपल नंबर वन, गुड्स परचेज, आप गुड्स कर दे फॉर रुपीज
cost in rupees, goods purchased, cost in rupees, 30,000 का goods purchase की. साहब number 2, goods costing rupees 22,000 sold for rupees 25,000. साहब ये ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है. देन वट इज इवेंट्स? सर इवेंट का एग्जाम्पल बताइए मेरे को. तो ये देखो इवेंट का एग्जाम्पल, इसी में से इवेंट का एग्जाम्पल करना पड़ेगा तो आप सीखोगे. ये देखो सामान कितना का था? 30,000 का. आप सामान का परचेस कितना किए? 30,000. और उसमें से आप बेच कितना का दिया बताओ? कितना का बेच दिया आप? कितना में नहीं, कितना का बेच दिया आप? 22,000 का. अब बताओ कितना सामान बचा आपके पास? 30,000 का था जिसमें 22,000 का बेच दिए. तो साहब मेरे को तो यही पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 8,000. क्लियर? ये 8,000 का सामान बचा हुआ आपके पास. अब ये बताओ क्या 8,000 के लिए कुछ नया काम करना पड़ा क्या मेरे को? नहीं ना. इसी दो ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट हुआ दैट इज कॉल्ड व्हाट? इवेंट्स. तो हम बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड इवेंट्स. हैपनिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड इवेंट्स, राइट? अब ये देखो दूसरा एग्जांपल. साहब सामान कितना का था? 22,000 का. कितना में हम सोल्ड कर दिए? 25,000. तो कितना फायदा हुआ? साहब मेरे को प्रॉफिट हुआ रुपीज 3,000. क्या इस 3,000 का इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए क्या हमें कुछ नया एक्टिविटी करना पड़ा क्या? नहीं ना. तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज इवेंट इन रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन? इन ऑकरेंस occurrence of transaction called events, right? ये छोटा explanation क्या difference है? आई बात समझ में? ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं. introduction to accounting. accounting क्या है साहब? ing लगा हुआ है ना, तो साहब क्या हो गया? activity हो गया, एक प्रोसेस हो गया. और जब उसको सिस्टमैटिक ढंग से कर देंगे तो साहब ये क्या बन जाएगा? एक आर्ट हो गया. अब क्वेश्चन आइज होता है फ्रॉम वेयर अकाउंटिंग बिगिंस. अकाउंटिंग का शुरुआत कहां से होता है देख लेते हैं साहब. हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग स्लैश बुक कीपिंग? तो इन 1494 लुकस पसिलियो ऑफ इटली कॉल्ड एज फादर ऑफ व्हाट? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, राइट? नाउ सर शुरुआत कहां से हुआ? तो साहब अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितना दरबार आप देख लीजिए. सर क्या जरूरत है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कस्टम है. आप कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा? किस लिए रूल बना? रिकॉर्ड करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए. इसके बाद फिर क्या पढ़े हम लोग? ट्रांजेक्शन और इवेंट्स. सर ट्रांजेक्शन डे टू एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. पास्ट ट्रांजेक्शन तो अभी याद कर लो आप. पास्ट ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल अभी याद कर लो. परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000, सोल्ड ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर 25,000, पेड सैलरी, पेड रेंट, रिसीव कमीशन, कैश डिपोजिट इनटू बैंक, कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक. ये सात आप याद कर लीजिए, ठीक है? यहां से कॉमर्स का पढ़ाई आपका शुरू हो गया, अकाउंटिंग का पढ़ाई शुरू हो गया. फिर से पहला परचेज, दूसरा सेल, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव, कैश डिपोजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक. क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप. तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका.
चलिए चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, अकाउंट्स स्टार्ट बिगिंस फ्रॉम वेयर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल नंबर टू, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। अब ट्रांजेक्शन इवेंट्स के बाद तीसरा जर्नल। क्या बताओ? जर्नल। क्लियर सर? ये जर्नल दो तरह का, एक जर्नल एंट्रीज और साहब सब्सिडियरी बुक्स। सर जर्नल होता क्या है ये बताइए मेरे को, क्या होता है जर्नल? तो जर्नल मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन सिस्टमैटिक मैनर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अभी जर्नल एंट्री के बाद, अकाउंट्स में जर्नल एंट्री के बाद साहब फोर्थ हम लेजर बनाते हैं। सर लेजर क्या होता है? अकाउंट लेजर बनाएंगे साहब, ठीक है सर? ये लेजर क्यों बनाते हैं? ये लेजर क्या जरूरत है बनाने का? तो साहब याद रखिएगा, टू नो द बैलेंस टोटल ऑफ अकाउंट्स। जैसे टोटल सैलरी कितना पेड की है, टोटल आप रेंट कितना पेड किए, टोटल परचेस कितना किए, टोटल सेल कितना किए, केटर कितना पैसा बाकी है देने के लिए, के डेटर्स कितना पैसा बाकी है लेने के लिए, अगर बैंक से लोन लिए हैं तो कितना उसमें पेड किए, तो बैलेंस जानने के लिए, ठीक है। चल सर लेजर कैसे बनता है, क्या होता है लेजर? तो याद रखिएगा, पोस्टिंग ऑफ जर्नल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पोस्ट करते हैं जर्नल को बुक्स ऑफ अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड लेजर। साहब इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन साहब
अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ते क्यों है कि सो दैट हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाए. आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजेक्शन को हम मेजरमेंट करेंगे. क्या बताओ? मेजरमेंट. ठीक है, फिर से सबसे पहला काम क्या बताओ? सबसे पहला काम क्या बोलो मेरे को? आइडेंटिफिकेशन. दूसरा मेजरमेंट, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा पोस्टिंग. इसके बाद फाइव लेजर के बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस. क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस. सिर्फ ट्रायल बैलेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ लेजर बैलेंस सलस टोटल. ठीक है सर, इसको क्यों बनाते हैं? टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी. क्या जानने के लिए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए कि अभी तक हम जो लेजर पोस्टिंग किए हैं, टोटलिंग किए हैं, बैलेंसिंग किए, वो हमारा सही है कि नहीं. राइट, अगर सही है तो जरूरत नहीं है. सही नहीं, अगर सही नहीं है तो जरूरत है. सही है तो जरूरत नहीं है. इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद छठा फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम लोग. साहब इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सुनिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना तरह का होता है देख लीजिए. नंबर वन, ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट, फिर साहब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर साहब बैलेंस शीट. बैलेंस शीट सर, ये क्यों बनाते हैं? टू नो द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऑफ द व्हाट बिजनेस. परफॉर्मेंस जानने के लिए सर, ये परफॉर्मेंस और पोजीशन क्या होता है? परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट, अर्निंग कैपेसिटी, और साहब पोजीशन मतलब एसेट्स. आपके पास अभी तक वेल्थ कितना हुआ बनाकर बिजनेस में? ठीक है, परफॉर्मेंस आपका अर्निंग कैपेसिटी कितना है ये बताइए आप. राइट, ठीक. अब ये देखो, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडिंग फर्म का है तब तो ठीक है, लेकिन यही एक नोट आप देख लीजिए. एडवांस कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अभी जरूरत नहीं है. एडवांस कॉन्सेप्ट क्या? कॉन्सेप्ट, अगर यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बनाएंगे तब देखो क्या बनाना पड़ता है मेरे को. तब ये पीएल अकाउंट के जगह पे मेरे को बनाना पड़ता है
statement of profit and loss account बनाएंगे. बैलेंस शीट यहां बनता था, बैलेंस शीट यहां बनेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है. और फिर ये आइटम, इसके अंदर आइटम का डिटेल जानने के लिए हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट. फिर स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी. फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बनाएंगे. नहीं अभी ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है. और क्या ध्यान देना, देखो अभी देखो क्या ध्यान देना है. सर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट. क्या जानने के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए. सर पीएल क्यों बनाते हैं? टू नो द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए. सर बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? टू नो द कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू आपका एसिट्स है कि नहीं, ये जानने, ठीक है. फिर से एक बार देख लीजिए, अभी तक पढ़ाई फिर से देख लीजिए. सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है अकाउंटिंग का. फिर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, फिर जर्नल, ठीक है. जर्नल इवेंट्स, सर ये क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. सर ये सिस्टमैटिक मैनर का मतलब बताइए मेरे को, यानी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. चलिए नेक्स्ट. सर लेजर और अकाउंट किस लिए? टू नो द बैलेंस एट टोटल ऑफ अ स्पेसिफिक अकाउंट. पोस्टिंग ऑफ जर्नल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. फिर इसके बाद क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस. क्या बनाएंगे इसके बाद? ट्रायल बैलेंस. सर ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? कि अभी तक हम जो बनाए वो सही बनाए कि नहीं, उसको चेक करने के लिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस. टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट. नेक्स्ट, इसके बाद फिर फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किस लिए? टू नो द रिजल्ट. टू नो द रिजल्ट, रिजल्ट जानेंगे हम. रिजल्ट जानेंगे उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है. ट्रेडिंग अकाउंट क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. फिर पीएल अकाउंट क्यों? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस उसके लिए बनाएंगे. टू नो द परफॉर्मेंस एंड पोजिशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है. एडवांस क्वेश्चन में क्या सीखे? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडिंग फर्म का है, पार्टनरशिप फर्म का हो सकता है. और जब कंपनी का सीखेंगे तब ये चीज बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है. अंडर सेक्शन, अंडर कंपनी एक्ट 2013. चल क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
से देख लेते हैं। सबसे पहले लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल देख लिए, ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा जान लिए, जर्नल के बारे में जान लिए, लेजर के बारे में जान लिए, ट्रायल बैलेंस के जान लिए और फाइनल अकाउंट के बारे में जान लिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट को हम बोलते हैं समराइजेशन। क्या बोलते हैं? समराइजेशन। अब सेवन, सर फाइनल अकाउंट के बाद क्या करेंगे? अब जो प्रॉफिट लॉस हम निकाल लिए तब फिर उसको कंपेयर करेंगे, पिछले साल से कंपेयर करेंगे, तो साहब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सेवन नंबर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर एनालिसिस मतलब ये कॉम्परेटिव स्टडी है, कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे पिछले साल का प्रॉफिट लॉस को इस साल का प्रॉफिट लॉस से, पिछले साल फिक्स्ड कितना था, इस साल हमारा करंट एसेट कितना था, वो सबको एनालिसिस किए। एनालिसिस करने के बाद एट इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ठीक है सर, इंटरप्रिटेशन मतलब उसको इंटरप्रिटेट करना है, यानी बोल सकते हैं थोड़ा देर के लिए चेंज इन लैंग्वेज, लैंग्वेज को चेंज करेंगे सो दैट वो अंडरस्टेबल हो। सब कुछ समझ में आए? सब कुछ समझ में आए? ठीक है, नेक्स्ट फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले क्या था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिर क्या था बताओ? ट्रांजेक्शन, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके बाद नाइन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग सर डिसीजन कौन करेगा? ऑल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर सर, हु आर द स्टेक होल्डर? यूजर्स ऑफ योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ योर व्हाट? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी आपका अकाउंट में कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है, दे आर ऑल कॉल्ड द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सर यूजर्स कितना तरह का? दो तरह का, एक इंटरनल यूजर्स, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। सर इंटरनल यूजर्स ओनर शेयर होल्डर, दूसरा मैनेजमेंट इंप्लॉयज। सर आउटसाइडर यूजर्स गवर्नमेंट क्रेडिटर्स बैंक इटीसी।
बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, उसको रिटर्न ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक करने के लिए। मैनेजमेंट बिजनेस अगले साल क्या नया, मैनेजमेंट अगले साल बिजनेस को हायर करना है कि बंद करना है, वो सब लोग देखेंगे। इंप्लॉइज बोनस मांगना है, डिमांड करना है कि नहीं करना है, यही काम करेंगे। ये इंफॉर्मेशन को देखने के बाद ये डिसीजन लेंगे। गवर्नमेंट टैक्स लेना है, कितना लेना है। क्रेडिटर पैसा कब मांगना है, कितना उसको उधार देना है, कितना नहीं देना है। बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पेमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखेंगे हम लोग। तो दे विल टेक द डिसीजन अबाउट द बिजनेस। नेक्स्ट लास्ट रिपोर्टिंग, फिर हम रिपोर्टिंग करेंगे या रिपोर्ट बना लेंगे, ठीक है सर। रिपोर्ट क्या करेंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, एक फाइल हम लोग तैयार कर लेंगे कि सो दैट इन कमिंग फ्यूचर एनी वन डिमांड अबाउट द बिजनेस इंफॉर्मेशन, वी सो द रिपोर्ट्स, ठीक है सर। रिपोर्ट क्या जरूरत है, जरूरत है ना, सपोज अगले साल मेरे को बैंक से लोन लेना है, तो बैंक विल डिमांड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे और अपना कंसर्न रिपोर्ट देंगे, ठीक है। इसमें डिसीजन होगा सबका, ओनर का डिसीजन, मैनेजमेंट का, डायरेक्टर का डिसीजन कंटेंट होगा इसमें, ठीक है। यहां पे अकाउंट्स, इस साल के अकाउंट्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यहां से अकाउंट्स क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। इतना सारा काम अकाउंटिंग में होता है, राइट, क्लियर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तक देख हम क्या सीखे कि अकाउंटिंग शुरुआत होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, समाप्त कहां होता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट से। सो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग क्लियर, क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड किए फिर क्या बताओ, रिपोर्टिंग, सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंडक्टेड बाय द बिजनेस राइट। ये थोड़ा डिफिनेशन है अकाउंटिंग का, फिर से देख लो। अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इंफॉर्मेशन कंडक्टेड बाय द बिजनेस कंसर्न, ठीक है। और फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका अकाउंटिंग का डिफिनेशन जो बुक में दिया रहता है, क्लियर, ठीक है। आज क्लास हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं और फिर कल यही टाइमिंग रहेगा, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है। चलिए, गुड बाय।